हाय एवरीवन, तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गोवा रूम बहुत ही ज्यादा मेस हो रखा है, तो प्लीज आप लोग इग्नोर करिएगा। सुनो, गोवा वाले बीच नहीं, सुनो पूरी वाले बीच आए हम लोग। सुनो, गोवा वाले बीच नहीं, पूरी वाले बीच आए। और मास्क नहीं, पापा को मास्क मत लगाओ, वो तो तुम्हारा मास्क था ना। पापा का मास्क दूसरा है। चलो, पापा मास्क बैग में रखा है अपना, तुम लगाओ। तुम्हारा तुम्हारा मास्क है। चलो, तुम्हारा मास्क। सुनो, ये तुम लगाओ। अब हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकलेंगे जगन्नाथ मंदिर। तो चलो, क्या बस करेगी? चलो, क्या करेगी? चलो, अभी तुम लोग नमो नमो जय जय बोलो। ठीक है, नमो नमो जय जय करेगी ना। हो गया रेडी ना? और देखो, बाबू भी रेडी हो गया। बाबू चलो, ये है हमारा होटल, होटल पार्क लागुन, लगुन जो भी, लगुन सगुन जो भी हो, बस होटल ठीक ठाक है। एक मिस्टेक हो गया है, हम लोग छाता ही लाना भूल गए। छाता रूम में रह गया, अब दोबारा मेरे को जाना पड़ रहा है रूम। वो लोग पीछे वेट कर रहे हैं। हमारे होटल के सामने जो है ये नीलाद्री बीच है, तो मंदिर जाने से पहले सोचे कि चलो भाई पहले बीच का दर्शन कर ले जाए, उसके बाद मंदिर का दर्शन होगा। ओ, ये है, ये हो रहा है हमारा गार्ड ऑफ ऑनर कुत्ते के साथ। छाता पार हो जा भाई, छाता छाता। चलो गोवा वाले बीच पे। वाह भाई, मजा आ रहा है। नीलाद्री बीच एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये एक डस्टबिन बना हुआ है, ये डस्टबिन भर जाने के बाद ये कछुआ का शेप बन जाएगा। ये सही लगा देख करके, थम्स अप फॉर पूरी। ज्यादा है कि पूरा आंख चूंध दिया जा रहा है। वाह भाई, नहाने में तो मजा आ जाएगा। हो जाएगा एक ट्रिप। हाँ, दिखा देगा। अब हाई टाइट आ रहा, हाई टाइट। वाह क्या सीन है। इधर तो आओ, बहुत ही सूदिंग है ये मोमेंट। ये है सस्ता सिनेमैटिक शॉट। शॉट पे नहीं रहता तो यहाँ तक रहता ना। और तेरे तो आया आया भाग। नीरज थाने मजा आ जाएगा भाई। पहले आपका मंदिर का जीत करना है। हाँ, बहुत ही मजा आ रहा है। बस मगर अभी नहा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जाना है मंदिर।
मंदिर से आने के बाद शायद सेकंड हाफ में नहा ले। सोनू तुम नहाना, सोनू यहाँ पे सोनू पानी में नहाना करेगी। पूछो आप लोग नहाएंगे, पूछो तो नहाएंगे नहाएंगे। भागो भागो चलो भागो। बच्चे से बड़ा छाता है ये तो। छोनू चलो, छोनू चलो, लेट हो रहा, चलो तो जल्दी मंदिर जाना है ना। ये अभी बीच का सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। छोटा सा बीच था। हाँ हाँ नगरी बीच। हाँ मेरी बेटी। हाँ मेरी बेटी। मामा छाता नहीं उड़ रही है। दोबारा फिर से होटल जाना पड़ेगा क्योंकि छोनू का पूरा पैंट भींग चुका है। अब हम होटल से फिर से निकले हैं, देखते हैं अब ऑटो कहाँ से मिलता है और फिर ऑटो पकड़ के फिर जाना है अब जगन्नाथ मंदिर। काफी लेट हो चुका है। तो अब हम पूरी जगन्नाथ धाम पहुंच चुके हैं, चारों धामों में एक धाम जगन्नाथ धाम। मेरा मानना है कि आप लोगों के अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर से जरूर आपको आना चाहिए पूरी जगन्नाथ धाम। वो सामने आपको दिख रही होगी मंदिर, वो नजर आ रहा है। चारों तरफ अच्छा खासा मार्केट है, यहाँ पे मार्केट एरिया है ये बाजार कोलकाता जो जमशेदपुर में भी है। ऐसा माना जाता है या फिर शायद ऐसा सच भी होगा, हम भी श्योर नहीं है, बट पूरे इंडिया में सिर्फ जगन्नाथ धाम ही ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने का परमिशन है। अदर देन हिंदू नो वन इज अलाउड। क्योंकि मंदिर की चोटी नजर आ रहा है बट मंदिर अभी भी दूर है 200 मीटर। ये पतली पतली गलियाँ, तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ। अब हम जगन्नाथ धाम पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे अपना सारा बिलोंगिंग छोड़ना पड़ता है। तो अब जो आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी वो मंदिर दर्शन करने के बाद ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये है बैग, इसमें हमारा जूता और मोबाइल वगैरह सब इसमें डालना है। हाँ अब हमारा दर्शन हो चुका है और अपना जितना भी सारा जो सामान था बिलोंगिंग था वो यहाँ से काउंटर नंबर 3 से ले चुके हैं। आपको इसके ऑपोजिट साइड से आपको जमा करना होता है और इस साइड से आपको रिसीव करना होता है। वो टोकन पर्ची जरूर रखिएगा और आपका फ़ोन नंबर याद रखिएगा। हमारा दर्शन अच्छा सा हो गया, ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि जिस टाइम हम गए थे उस टाइम भीड़ नहीं था, बट अभी निकलने टाइम में देखे कि वो भोग वाला टाइम था, शायद 2 बजे भगवान को भोग चढ़ता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया था, बिल्कुल भी लाइन में था। 1 घंटा के अंदर पूरा हमारा सारा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा रहा ट्रिप। वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर आए और आकर के जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करें। यहाँ पे आपको पांडा वाले वेशभूषा पे आपको बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे, बट आप अंदर जा कर के सरकारी वाला जगह से ही पांडा लीजिएगा और वहाँ से वो लोग कम रेट में आपको पूजा करवा देंगे और बेवजह आपको वो दक्षिणा देने नहीं बोलेंगे। आपको यहाँ पे बच्चों को खिलौना से लेकर के आपको तरह तरह के रेंज के आपको शंख मिल जाएंगे यहाँ पे, शंख वगैरह आपको यहाँ पे दुनिया भर के दिखेंगे। जगन्नाथ जी का फोटो वगैरह से लेकर के आपको एक से एक। श्री हरि रेस्टोरेंट, यहाँ पर अपना लंच ऑर्डर किया है। सुनो क्या खाई सुनो तुम? पिज्जा। पिज्जा खाके? पिज्जा नहीं मिलता सुनो यहाँ पे, पिज्जा नहीं मिलता सुनो। रोटी मिलता है। हाँ सुनो यहाँ पिज्जा नहीं मिलता सुनो। ये आ गया हमारा वेज थाली, ओनली 250 रुपीज। चुन कैसा है सुनो? टेस्टी है सुना है। नींबू छोड़ छोड़ दो उसको। अब हमारा खाना हो गया कंप्लीट, अब हम निकलेंगे यहाँ से होटल की ओर। हमारी सुनो का ये आप लोग देख सकते हैं,
हमारे सोनू का मीटर डाउन हो चुका है। ये हमारी सोनू सो चुकी है। जाओ चलो जब मामा पास जाओ चले जाइए ना चले जाइए ठीक है। अब हम दोबारा अपने होटल आ चुके हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे फिर शाम में देखते हैं कहाँ कौन सा बीच जाते हैं। छोनों का सही है, जब मन के सो जाओ, जब मन के खा लो, जब मन के बदमाशी कर लो। अभी भी थोड़ा बेचारे कितना गहरा नींद में है पर थूक निकाल के सो रही है। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मेरा सारा एपिसोड देखिएगा पूरी का और चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा थम्स अप और वो घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। बाय बाय।